अंदर की आग को जलाना है, धीरे धीरे चलते मंजिल पे पहुंच जाना है। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर, 3,800 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 300 से ज्यादा सुपर स्टॉकिस्ट। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से बहुत ही छोटी कैपिटल से शुरू हुई कंपनी डायमंड चिप्स के बारे में। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पेप्सी को लेयर्स और कुरकुरे बनाने वाली कंपनी को भी कोई टक्कर दे सकता है। सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर शुरू की कंपनी आज ब्रांड के फेस में अपनी पहचान बना चुकी है। डायमंड फाउंडर अमित यूएसए से डिग्री लेकर भारत आए। दिल में बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, लेकिन सबसे पहले एक आम इंसान की तरह अपने पिताजी की दुकान ज्वाइन की, उसके बाद बदान स्नैक्स में जॉब की, उसके बाद अपनी केमिकल कंपनी खोली, सैप इंस्टीट्यूट खोला, ढेर सारे बिजनेस किए, लेकिन हर बार असफल रहे और करोड़ों का कर्ज सर पे चढ़ गया। इतने बार असफल होने के बाद आज अमित 2700 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी के मालिक हैं, जिसका 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी की फास्ट ग्रोथ को देखते हुए बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने अमित की कंपनी में फंड इन्वेस्ट करना चाहा, ताकि वो भी उससे प्रॉफिट उठा सके। 2009 में सिकोया कैपिटल ने अमित की कंपनी को इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया, लेकिन अमित कुमट और इनकी टीम ने डिसाइड किया कि जब तक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, हम किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं लेंगे। आज सारे न्यू स्टार्टअप करने वालों के लिए एक संदेश है कि जब तक आपको एक्चुअल में फंडिंग की ज़रूरत ना हो, तब तक किसी से भी फंड ना लीजिए। 2009 में अमित की कंपनी ने सिकोया कैपिटल के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, जिसमें सिकोया कैपिटल ने फंडिंग के साथ साथ बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देने का प्रॉमिस किया और सबसे पहली फंडिंग 30 मिलियन की एक्सेप्ट की, जिसके बदले में 48% राइट सिकोया कैपिटल को दे दिया। अगर हम अमित कुमार और इनकी कंपनी की सक्सेस के पीछे के रूल्स को समझें तो बगैर फंडिंग के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। रूल नंबर 1, खुद पर विश्वास। अमित कुमट ने इतनी बार फेल होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, खुद पर विश्वास रखा, फिर से अपनी टीम बनाई और पेप्सिको जैसी कंपनी को चुनौती देकर अपना खुद का स्पेस बनाकर बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। बहुत सा टाइम आएगा जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ के अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना होगा। रूल नंबर 2, अमित कुमट की यूनिक डेली हैबिट। अमित कुमट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि वो सुबह उठकर आनंद के साथ पहले मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद डेली नए 30 डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनाते हैं और दिन भर अपनी टीम के साथ उन 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। ये काम वो साल भर करते हैं। ये यूनिक हैबिट सब बिजनेस ऑनर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन है। आप भी अपने बिजनेस में रोज सुबह 5, 10, 20 डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर की लिस्ट बना के उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। लेसन नंबर 3, तीसरा कारण, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। अमित कुमट इस बात को गहराई से जानते थे। उन्होंने बुद्धिमानी दिखाते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग मार्केट में चल रहे प्रोडक्ट से थोड़ा नीचे रखी, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट की और इसी प्राइस गैप की वजह से वो बहुत जल्दी लोकप्रिय भी हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी देने का सिस्टम शुरू कर दिया। जब फर्टिले 5 रुपए के पैकेट में 22 ग्राम देता था, तब इन्होंने सेम प्राइस में 30 ग्राम का पैकेट दिया। उन्होंने भारतीय लोगों की इस नबज को समझा और जबरदस्त इनकैश किया। लेसन नंबर 4, कोई भी प्रोडक्ट तब तक पॉपुलर नहीं होता जब तक उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर लालच से ना भर जाए। इन्होंने देखा कि इनका टारगेट ग्रुप कंज्यूमर बच्चा है, बच्चा अपनी पसंद की चीज़ खरीदता है, जिद पर अड़ता है और अपनी पसंद की चीज़ ही खाता है। इन्होंने चुपचाप हर पैकेट के अंदर एक टॉय डालना शुरू कर दिया। ये टॉय क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। बच्चे चिप्स से ज़्यादा टॉय के लिए चिप्स खरीदने लगे। सिर्फ 50 पैसे के टॉय से इन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों को अपना कंज्यूमर बना लिया। अगर ये बोला जाए कि 50 पैसे के टॉय की वजह से येलो डायमंड 2500 करोड़ की कंपनी बन गई, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, अमित कुमार, येलो डायमंड की ये कंपनी हमें ये संदेश देती है कि जब आप बहुत असफल हो चुके हो, यदि आप कर्ज में डूबे पड़े हो, तो घबराइए मत,
अपने सपनों को मारिए मत, अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़िए। आपके ऊपर हंसने वाले लोगों को आपकी सक्सेस का तमाचा मारिए। इतनी बार असफल होने के बाद 2500 करोड़ की कंपनी बनाने वाले अमित कुमट की केस स्टडी आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अपने बिजनेस को कैसे आप और आगे ले जा सकते हैं, या किसी सवाल के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।